नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका राग परिचय में। हम फिर आगे बढ़ते हैं कल्याण फैमिली के साथ में, इस बार राग कामोद को लेकर। जिस गीत से मैंने शुरुआत की थी, बहुत खूबसूरत गाना, फिल्म थी चित्रलेखा, रोशन जी ने बनाया था इसको, एरी जाने ना दूंगी। बिल्कुल बंदिश पर आधारित गाना है कामोद की, तो नेचुरली कामोद से मेल खाता ही है। थोड़ा सा गाना देख लें और फिर कामोद की तरफ चलते हैं। गाना कंपोज किया था अद्दा ताल में, इतना खूबसूरती से चलता है। थोड़ा ताल के साथ देख लेते हैं इसको। इसी कामोद को उपयोग में लाया था शंकर जयकिशन ने, बहुत खूबसूरती से। फिल्म थी आम्रपाली और गाना था जाओ रे जोगी तुम जाओ रे। अब देखते हैं कि इन दोनों गानों में समान धागा क्या है, वही हमें ले जाएगा कामोद की तरफ। कामोद भी कल्याण अंग का राग है, तो जैसे हमने पहले भी देखा है, उत्तरांग में बिल्कुल कल्याण होगा, पूर्वांग में कुछ अलग चीज हो जाएगी। तो पूर्वांग में क्या है, ये शुरुआत है, और ये जो शुरुआत हुई थी ये, अगर आप जो पहले दो गाने हमने देखे थे उनको देखेंगे तो दोनों में ये बहुत समान चीज है। ये बिल्कुल कामोद। अब पहली जो फ्रेज है,
यह हमें थोड़ा सा मल्हार की याद दिलाती है। रे रे प, ये जो लगाव है ये मल्हार की तरह है। सो कामोद में थोड़ा सा अंश है मल्हार का यहाँ पे, और आगे जाके प ग ये आता है कल्याण को लेकर। सारे रे प प ग, सो शुरुआत में मल्हार का अंग रे प, और फिर कल्याण लेके आता है प ग से। और फिर गामा प गाम रे सा, ये एकदम बिल्कुल कामोद हो जाता है। गम रेसा, तो गम रेसा भी है, लेकिन ये गम प गम रेसा करने से एकदम कामोद हो जाता है। सो ये हो गई शुरुआत। फिर आगे बढ़ते हैं, गामा धप, अब ये याद दिला रहा है हमीर की। गामा धप गामा प गामा रे सा, तो शुरुआत में मल्हार का थोड़ा सा अंग, फिर कल्याण आ रहा है, और फिर हमीर दिख रहा है थोड़ा सा, और उत्तरांग में तो पूरा कल्याण है ही। सो तीव्र मध्यम आएगा कल्याण की तरह। तमा प गामा प गामा रे सा, और फिर तो अब ये दिख रहा है कि कामोद बना है थोड़ा सा अंश मल्हार का लेकर, थोड़ा सा अंश कल्याण, और थोड़ा सा हमीर भी। तो ये इसको जोड़ राग नहीं कहेंगे, ये तीनों है तो इसमें, लेकिन है एक कंपाउंड की तरह, मिक्सचर की तरह नहीं है, ये मिश्रण नहीं है, ये संयोग है। ये तीनों अलग अलग नहीं दिखेंगे, लेकिन लगता जरूर है कि इन तीनों से ये राग बना हुआ है। तो ये है कामोद। अब जब हम पूरा लेकर निकलेंगे तो फिर उसका धुन स्वरूप सामने आएगा। Thank you.
चलिए आगे चलकर एक बंदिश सुनते हैं, कामोद में तीन ताल में बंधी हुई है। तो ये था राग कामोद। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर है, लेकिन एक बार उसकी रचना समझ में आए तो फिर आसान हो जाता है। अगले हफ्ते और एक बहुत सुंदर राग श्याम कल्याण, आगे बढ़ेंगे कल्याण फैमिली के साथ ही।